हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूरिज्म ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज पता नहीं कौन सा दिन, और आज फ्रेंड्स हम आ गए फिर से यहाँ नदी हमारी जो है छोटी सी, उनसे मिलने आ गए हम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बढ़िया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये लुक दिखाता हूँ कि ये रिवर हमारी कैसी दिखती है। रिवर यानी कि फ्रेंड्स पक्का रिवर तो नहीं है ये, एक उसका ये पार्ट है कि यहाँ से वो पानी जाएगा, जो भी हमारे सरोवर में जो है वो जमा होगा, और फिर यहाँ से वो पानी जाएगा। जो भी पानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, वो है बहता पानी है, बहुत कम बहता पानी है, लेकिन है। बारिश गिरी थी और उसकी वजह से जो फ्लो है वो आ रहा है मस्त फ्रेंड्स। और अभी आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ कैक ही कैक है, यानी कि हमारे गाय के कुछ, बराबर समझ गए होके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पर है फ्लो पानी का बहुत ही अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है वहाँ से, आपको शायद सुनाई भी देती होगी। यस, ज़र ऐसा कुछ आवाज़ आती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बर्ड भी है, वो आवाज़ करता है, जो कि आप नहीं देख सकते होगे, मुझे भी नहीं दिख रहा है कैमरा में। और फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं कि आगे ये बहुत ही अच्छा माहौल है, बस चारों तरफ बस खेत और खेत, बस कुछ नहीं, बस शहर जैसा नहीं कि बस चारों तरफ घर और बस रोड। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ वो है एक रोड, लेकिन एक रोड की एक खासियत यह है कि यहाँ कोई भी वाहन नहीं है, कोई भी एक व्हीकल नहीं है कि इसकी उसकी कोई जफा नहीं है, कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं है कि भाई पी चलो, हॉर्न वॉर्न मारो, वो ये रास्ते से हटो बटो, कुछ नहीं। जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये रोड मुझे लगा, पहली बार जीवन में ऐसा लगा कि भाई मैं जो रोड पर खड़ा हूँ वहाँ मैं बिंदास खड़े रह सकता हूँ, जैसे कि घर पर हम बैठे हो, क्योंकि यहाँ के कोई प्रॉब्लम ही नहीं फ्रेंड्स, कभी हटो बटो कुछ नहीं बस। और फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, छोटा सा डैम है, चेक डैम उसको शायद बोलते हैं, तो बहुत लंबाई तक यानी कि बहुत ही दूर तक जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दाहिने तरफ है, तो वहाँ से फ्रेंड्स आवाज़ें आ रही है मोर की, यानी कि पिकॉक की आवाज़ें आ रही है, और काफ़ी सारे अलग अलग बर्ड्स की साउंड आ रही है। और फ्रेंड्स, आगे हम जाएंगे क्या है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे काऊ की पॉटी है, जो कि दिखाया मैंने पहले आपको। और फ्रेंड्स, यहाँ जो है वो पानी बहता है, और यहाँ पे मस्त चारों तरफ ऐसे प्लांटेशन ऑटोमेटिक ही हो गया है, जो कि बारिश आती है तो ये प्लांटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, जो कि आपको शायद पता ही होगा। और फ्रेंड्स, हमारा ब्रिज टूट गया है, और यहाँ पर कुछ खोखला है, तो इसी की वजह से ये भी उग गया है। और ये फ्रेंड्स देखो, ट्रैक्टर की जो है वो, यानी कि ट्रैक्टर यहाँ से पसार हुआ होगा और ये ऐसे गिर गया। देखो, ये काफ़ी दिखने में क्या काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अच्छा। और फ्रेंड्स, आगे हम जाएंगे कुछ सोशल संशोधन करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं कुछ। और फ्रेंड्स, बस आगे ऐसे मस्त खेत है, जो कि आपको खेत में काम करने का शायद आपका ड्रीम हो, तो आपको मज़ा आएगा कि भाई चलो खेत में जाते हैं देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ से ट्रैक्टर गया होगा, जो कि बस आजू बाजू वो टायर के निशान पड़ गए है इस साइड और बीच में वो जो पार्ट है वो खुला रह गया, तो इसकी वजह से ये खुला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बस आप भी निकल जाए घर से, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ नया फाइंड करने, मज़ा आएगा आपको भी। बस फ्रेंड्स, आज दिन में बहुत ही अच्छा लगा, जो कि दिन गया तो गया, आज छुट्टी का दिन था, यानी कि 15 अगस्त था, लेकिन कुछ नहीं, अच्छा रहा काफ़ी दिन। और फ्रेंड्स, वहाँ पानी भी जम गया है, यानी कि भरा गया है, तो ये खड्डा बड्डा गिरा होगा। सो फ्रेंड्स, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि इस साल मैंने फ्रेंड्स देखा कि काफ़ी सारे लोग अपनी सोसाइटी में, अपनी अपार्टमेंट्स में ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन हम तो कुछ स्टेटस रख देंगे और सेलिब्रेट हो गया हमारा। और फ्रेंड्स, ये हमारे छोटे छोटे यहाँ पानी के भुंगरे रखे हुए हैं, पता नहीं है किस काम में आए होंगे, लेकिन आएंगे शायद। बस फ्रेंड्स, यही है लाइफ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर की कुछ रेखाएं गिर गई है जमीन पे। और फ्रेंड्स, यहाँ शायद ट्रक भी गया होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से पानी फिर से बहने की आवाज़ आ रही है। और फ्रेंड्स, बस आगे हम जाते रहेंगे,
और कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन फाइंड करते रहेंगे। और फ्रेंड ये जो बनाया है हमारा चेक डैम वो काफ़ी ज़्यादा पुराना होगा शायद। हाँ और फ्रेंड्स हमारे चश्मे भी रखे हुए हैं वो हमारे यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ पे मस्त जा रहा है पानी आ रही है जा रहे हैं बस आगे और बस आगे कुछ नहीं है आगे क्या है पता नहीं। पंप तो माननी पड़ेगी ब्रेक। और फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं धीरे धीरे लेकिन रास्ते में फ्रेंड्स बम्प आते हैं तो थोड़ा ब्रेक मारने में दिक्कत भी आती है। क्या लस आती है कि सब क्या यार कुछ नहीं कुछ रुक थोड़ा रुके और थोड़ा बस आगे बढ़ते रहेंगे हम ऐसे ही धीरे धीरे अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने बोला है वैसे फ्रेंड्स आपको अपनी हमारी लाइफ आसान हमारी यही है कि हम तो जीवन में आगे बढ़ेंगे भले ही थोड़ा बहुत धीरे धीरे लेकिन बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे बराबर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर है ये लोगों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनाई हुई है यानी कि छोटा सा एक बिल्डिंग जो कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि वहाँ यहाँ पे ये लोग काम करते हैं तो। और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं पानी जो पसार होता है तो वो हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर लेता है वो यहाँ से होता है लेकिन आज है बंद। और ये यहाँ पर है काउ खा रही है खाना मस्त गर्मा गर्म तो नहीं है लेकिन नेचुरल खाना खा रही है। और हम ये जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पे फ्रेंड्स पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। और ये फ्रेंड्स बस हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं जा रहे हैं घर और बस ये अब यहाँ पे काफ़ी सारे फुंकरे आ गए हैं पानी के और बस पानी पसार होगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखो पता नहीं ये कैसे फ्रेंड्स है घुंघरे पानी के जो कि जंग क्या बोलते हैं जंग खा गए हैं। और बस सोलर पैनल सामने है दिख रही है आपको शायद और बस आगे जाएंगे